दोस्तों, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ। आई एम इन एडमिंटन और मेरे को कॉल आई है मिस्टर शेख से, हु इज कॉलिंग समवेयर इन कनाडा। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है, इमिग्रेशन प्रॉब्लम का सलूशन देखते हैं क्या है। शेख साहब बताइए कहाँ से बोल रहे हैं और क्या क्या मसला है। सर, ये मैं यहाँ पे विजिट वीजा पे आया हुआ था 20-25 दिन के लिए, ओके मगर कोरोना की वजह से मुझे ठहरना पड़ा यहाँ पर। ओके अभी इतना टाइम हो गया, 5 महीने हो गए हैं, तो अभी एक्सटेंशन शायद डालना पड़ेगा मुझको टू बी इलीगली इन कनाडा। तो उस सिलसिले में होल्ड कर जाएं, जरा होल्ड कर जाएं। आपको 5 महीने हो गए, आपको स्टे कितनी मिली थी एयरपोर्ट पे? 6 महीने की। 6 महीने, तो अभी तो 1 महीना है ना आपके पास? जी हाँ, 1 महीना है। दूसरी बात ये है, इलीगल का आपने वर्ड कैसे यूज कर लिया? इलीगल तो अभी हो नहीं हो आप, इलीगल हो गए भी नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस के वजह से अगर फ्लाइट नहीं चल रही तो आपको वो ऐसे पेनलाइज नहीं करेंगे। नंबर वन, आप इमिग्रेशन को कॉल करके या इमिग्रेशन की वेबसाइट पे आप उनको बता दें कि मैं जाना चाहता लेकिन फ्लाइट नहीं है, तो आपके अगेंस्ट ही जगह। एक तो ये बात करें, दूसरा जो आजकल एक फ्लाइट चल रही है, वंदे भारत की फ्लाइट चल रही है, जाना है तो आप जा सकते हैं, आपको पैसा लगेगा जरूर, जो भी कुछ है उनकी टिकट है, आई डोंट नो, लेकिन अगर आप फ्लाइट लेके जाना चाहें तो आप जा सकते हैं इंडिया, क्यों नहीं जा सकते? नहीं, मसला ये है सर, क्योंकि अभी मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे काफी ज्यादा केसेस है। ओके, तो मैं अपनी एक टाइम पे, चलो मैं मेरी जान रिस्क पे ले भी लूं, मगर मेरे घर वालों की मैं जान रिस्क पे नहीं डालना चाहता। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। तो वो एक मेन रीजन है और कुछ नहीं है। मतलब कंक्लूजन ये है कि अभी आप जाने के उसमें पोजीशन में नहीं है, अभी आप जा नहीं सकते, ये कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। हाँ, आगे तो इसीलिए इसीलिए मैं जो कनाडा के जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए एक्सटेंशन के लिए डालने की कोशिश में था मैं। और मैं बैक इन इंडिया एजेंट जो था उससे मैं बात, जिससे मेरा विजिट वीजा एप्लीकेशन मैंने एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट उसने दिखाया था अपने आप को, तो मैं उस, हाँ, वो उसने अपने आप को दिखाया था। हाँ। तो मैंने उसके थ्रू मेरा प्रोसेस थोड़ी सी हेल्प ली थी उसकी। एक सेकंड होल्ड करें, होल्ड करें, होल्ड कर जाए, होल्ड कर। हाँ ठीक है, तो उसने एप्लीकेशन डाली, एप्लीकेशन में उसने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत लिखी, क्या लिखा, क्या चक्कर है? मैंने उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी, उसने मेरा मैरिटल स्टेटस सिंगल लिखा, वेयर एज आई एम मैरिड, आई हैव किड्स। ठीक है, मैंने जब उससे पूछा क्या मसला है, आपने क्यों ऐसा लिखा, क्यों मेंशन किया, तो बोलता है कि भाई हमारे एग्जीक्यूटिव से गलती हो गई है शायद। बहुत सी दफे ऐसा होता है कि सरनेम में कंफ्यूजन हो जाती है एग्जीक्यूटिव्स को, और साथ ही साथ आपके पासपोर्ट में भी स्पाउस का नाम मिसिंग था, तो शायद इसलिए वो समझ गया है, ऐसा समझा था होगा कि भाई आप सिंगल ही है, बावजूद इसके कि मैंने उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो अभी ये केस है, मुझे अभी अभी रिसेंटली मुझे मालूम हुआ कि ये केस है, तो मैं जानना चाहता हूँ इसको कैसा करेक्ट करूँ। कोई मसला नहीं है, घबराने की बात नहीं है, पहले टेक इट इजी, लंबी सांस ले, आराम से बैठे, कोई मसला नहीं है। ये जो कंपनी जिन्होंने भी आपके फॉर्म भरे हैं, ये मतलब खुद की गलती है महसूस कर रहे हैं, खुद आप कबूल करने को तैयार हैं कि उनसे गलती हुई है ना? हाँ, उनसे आप ये पूछें फोन करके, आज रात को जो उनको फोन करेंगे, उनको कहाँ पर है, हैदराबाद में कहाँ पर है वो लोग? जी हैदराबाद। हाँ, तेलंगाना में मैं 2-3 बार गया हूँ, वहाँ पर बहुत तरह तरह के इमिग्रेशन एक्सपर्ट घूम रहे हैं, वहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं वहाँ पर उन्होंने, जो आपके बंजारा हिल्स में आपकी इधर उधर जो बड़ी बड़ी रोड जाती है ना, पर इमिग्रेशन कंसल्टेंट बहुत धुरंधर बैठे हैं वहाँ पर, उनसे आप ये बोल दें भाई साहब कि अगर आप मानते हैं कि गलती हो गई, कृपा करके आप, हाथ जोड़ के आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक कागज, एक सादे कागज पे लिख के दे दें कि भाई साहब हमसे गलती हो गई, वाकई आप मैरिड थे, हमने ये रीजन करके, जो पासपोर्ट पे वो नहीं है, वाइफ का नाम नहीं है वगैरह वगैरह, जो भी रीजन करके हमसे गलती हो गई और हमने कर दिया, वो लिख के देंगे, वो ईमेल पे भेज देंगे सर। चलो अच्छी बात है, ईमेल पे चाहिए, ईमेल पे उनके कंपनी का नाम आ जाएगा, ईमेल पे कर देंगे, इतना ही बहुत है, अगर वो लिख के दे देंगे तो कोई चक्कर नहीं, कोई मसला नहीं, आप पे कोई असर नहीं होगा। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, वो अगर कोई उनका कंपनी का ईमेल, मैं उनके कंपनी का ईमेल चेक किया हूँ, ठीक है, मुझको फेल्यूर नोटिस आई है, यानी कि उनका जो डोमेन ईमेल है। सर जी देखो देखो मैं आपको बता, देखो इस इतनी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका ईमेल पे जा रहा नहीं जा रहा,
आप मान के चलो, इसके बारे में मैंने कितने ही दर्जनों वीडियोस बनाए हैं कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट, सो कॉल कंसल्टेंट या ट्रैवल एजेंट या फलाना एजेंट जो भी कुछ है, उनके पास लाइसेंस नहीं है काम करने का, उनके पास कनाडा का लाइसेंस नहीं है कि वो किसी की एप्लीकेशन लीगली भर के पैसे ले सके। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कई सालों से चली आ रही है, लेकिन क्लाइंट है, जैसे आप भी क्लाइंट है, आपने भी परवाह नहीं करी, आपने जिससे सस्ते में भरवाना भरवा दिया, आपने उनका लाइसेंस नहीं चेक किया, अब उनके वेबसाइट चले ना चले, डोमेन चले ना चले, अब रोने से क्या फायदा। जो भी आदमी है, आदमी तो जिंदा है ना, जो भी आदमी है उसे कहना कि भाई साहब आपका फॉरगेट अबाउट ईमेल एड्रेस जो भी कुछ है, आप अपने सिंपल एक लेटर हेड पे, लेटर हेड तो कोई ना कोई होगा उनके पास किसी भी नाम से, सिंपल लेटर हेड पे सिर्फ चार बातें लिख दें कि हमने इनका फॉर्म भरा है, हमने ये गलती करी है, इस रीजन से गलती करी है, चार पांच लाइन से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, चार पांच लाइन ये लिखवा लें, उनसे कहना कि आप उसको स्कैन करके पीडीएफ करके भेज दें, आपको चाहे ईमेल से भेज दें चाहे जैसे भेज दें, इट डज नॉट मैटर। वो जो एक उनका जो कन्फेशन है, जो भी उनका जो एक वो कबूल कर रहे हैं कि ये गलती हुई है, उसको लेकर आप जब अपना एक्सटेंशन फाइल करेंगे कनाडा में कि मेरा एक्सटेंशन कर दे, तो उसको एक दो लाइनें लिख दें बस कि सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, हमने ये फॉर्म भराया था, ये गलती है, और जिसने कंसल्टेंट ने फॉर्म भरा था उसने भी खुद लिखा है मेरे से गलती हुई है, मैं दावा करता हूँ कि आपको इमिग्रेशन पेनलाइज नहीं करेगी। बहुत अच्छी बात सर, ये आपने मुझे बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, मुझे इतनी बहुत फिक्र हो रही थी। हालांकि मेरा ट्रैवल हिस्ट्री काफी अच्छा है, मैंने ऑलरेडी चार या पांच कंट्री ऑलरेडी जाकर आया हुआ हूँ, यूएस का वीजा है मेरे पास, यूएस के वीजा के टाइम पे भी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट दी हुई है। यूएस वीजा जब अप्लाई किया उसमें भी सिंगल था, मैरिड था, क्या था? मैरिड था, मैरिड था। बस तो उसमें एक लाइन और ऐड कर देना, बस उसमें एक लाइन और ऐड कर देना कि यूएस वीजा में जब मैं लिया था तो उसमें मैं मैरिड था और मेरी मैरिज हो चुकी है, ये मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है, अगर आप अटैच करना कर दें, और गलती से ये कनाडा में ये गलती से हो गई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप अपोलोजाइज करें मेरे को। कंसल्टेंट साहब जो धुरंधर कंसल्टेंट साहब थे उन्होंने फॉर्म भर दिया है तो उन्होंने लिख के भी दे दिया कि गलती हो गई, तो कृपा करके आप मेरे को प्लीज अपोलोजाइज, बस अपोलोजाइज वर्ड जरूर लिख दें, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इमिग्रेशन आपको फांसी पे नहीं चढ़ाएगी। चलिए ठीक है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि भाई मेरा रिकॉर्ड खराब ना हो, क्योंकि अगर होता है, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपको फिर उसको चैलेंज करना पड़ेगा, फिर वो मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए जो आपने पहले वर्ड यूज किया था, फिर आपको वो मिस रिप्रेजेंटेशन के फंदे में वो आपको धकेल देंगे और फिर कहेंगे कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी, आपको 5 साल बैन कर देंगे वगैरह वगैरह। तो ये जो स्टेप मैंने आपको बताया, ये स्टेप तो आप लें अभी, क्योंकि ये स्टेप अभी नहीं लेंगे तो बाद में लेना पड़ जाएगा, कुछ एप्लीकेशन के बाद लेना पड़ जाएगा, तो इस बेटर है कि चोर जो है चोरी पकड़े जाने से पहले ही हाथ खड़े कर दे कि भाई साहब मेरे से चोरी हो गई, इससे पहले कि पुलिस डंडे मार के उसे बाद में कबूल करवाए। तो पहले हम कह रहे थे कि भाई हमसे गलती हो गई और कंसल्टेंट ने लिख दिया है, गलती हो गई, गलती होती है, बड़ी बड़ी गलती रहती है, तो कुछ ज्यादा और एक चीज सर, जस्ट एक अपनी डिस्कशन के लिए, कि ये बात मुझको मालूम नहीं थी कि ये एरर है, मैंने अपनी एक्सप्रेस एंट्री अपने हाथों से सबमिट की है, तो अभी भी वो पूल में ही है और वहां पे मैंने एग्जैक्टली पूरी इंफॉर्मेशन दी है, बस वो भी स्क्रीनशॉट उसको भी लगा दें कि देखिए एक्सप्रेस एंट्री में मैंने झूठ हमारा गया नहीं, वहां तो सही है, तो ये गलती ट्रैवल एजेंट की है और बाकी मेरी गलती नहीं है। अब ये आप चिंता मत करें, आपको कोई चक्कर नहीं होगा, आप इत्मीनान से आज आराम से चादर तान के सोएं। सर ये कनाडा के अंदर रहने के बाद में जब विजिट वीजा एक्सटेंड करने की अपन कोशिश करते हैं तो फैमिली फॉर्म जनरेट नहीं होता बोलकर सुना मैं। अगर नहीं होता तो कोई बड़ी बात नहीं, मेरे को सामने उस वक्त फॉर्म से नहीं, आई कैन नॉट कंफर्म कि होता नहीं होता, अगर जो भी आप उसकी जो एक्सटेंशन है मैं देख लेता हूँ, उसका फॉर्म नंबर देख लेता हूँ, मेरे को अब इसको स्क्रीन को बंद करना पड़ेगा, लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड इट। हां प्लीज कीजिए। तो उसका जो भी जो फॉर्म है, फॉर्म भरेंगे आप, फॉर्म पे जो आएगा वही करना, जैसे उसके अंदर जो उससे जस्ट उसके अंदर मैरिड या नॉन अनमैरिड सिंगल, बस यही है, मगर फैमिली डिटेल्स कहां होल्ड कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट। आपको आप एक्सटेंड करेंगे ना एज अ विजिटर, एक्सटेंड करेंगे ना आप? जी बिल्कुल। आपको एक्सटेंड करेंगे एज अ विजिटर, तो आपको जो करना है, जस्ट अ मिनट, आप ऑनलाइन कर सकते हैं एक्चुअली, आपको फॉर्म्स पेपर फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं है,
If you, I think I prefer that you do online. Just a minute. Give me one second. आप उसको ऑनलाइन ही फाइल करें आपको है, प्लीज वो ज्यादा बेटर रहेगा आपको ऑनलाइन. अगर आप अपनी आईडी वगैरह बना देंगे ना उसमें वो जो भी फॉर्म्स होंगे वो आपके फॉर्म्स वो और सामने शो कर देंगे कौन कौन से फॉर्म्स करने हैं. तो इसकी जो इसको अगर आपको पढ़ना है ना गाइड नंबर आप गूगल पे टाइप करें गाइड नंबर 5551. ओके 5551. ओके गाइड नंबर 551 टाइप करें तो आप वो सारे फॉर्म्स देख लोगे. और इसके जो फॉर्म भरने हैं जो आपको ऑनलाइन भी अपलोड करोगे फॉर्म नंबर है 5708. दैट इज इट. फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म नहीं है. यू आर एब्सोल्युटली राइट. सो फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म नहीं आएगा. सो जो फॉर्म नंबर है वो IMM5708. इसको लेकर आप इसको फॉर्म को भर के अपलोड कर सकते हो. एंड दैट इज इट. नथिंग मोर नथिंग लेस. इसकी एक चेकलिस्ट भी बनी हुई है 5558. IMM5558 एक चेकलिस्ट है. उस चेकलिस्ट को आप देख लें कौन क्या डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप वो कर सकते हैं. आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है. तो सर यहाँ पे मैं अपने बच्चों की भी डिटेल्स डाल सकता हूँ किधर डाल. नहीं इस फॉर्म पे जरूरी नहीं है. इस फॉर्म पे जरूरी नहीं है. 5708 पे बच्चों की डिटेल्स जानने की जरूरी नहीं है. बच्चे आप अकेले आए क्या? मैं अकेला आया था सर. हाँ तो बस फिर बच्चों की इन्फॉर्मेशन क्या करनी है? तो आपका ही अकेला होना ना सिर्फ. तो आगे फ्यूचर में इन केस अगर इमिग्रेशन वगैरह क्योंकि मैंने एक्सप्रेस एंट्री में डाला हुआ है ठीक है तो वो टाइम पे डिटेल उनके पास रहनी चाहिए. वो एक अलग. यू कैन नॉट कंफ्यूज टू एप्लीकेशन. वो एक सेपरेट एप्लीकेशन है. वो पीआर की एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग है. जब भी उसका नंबर आएगा नंबर आएगा. अभी जो आप ये कर रहे हैं अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं. $100 इसकी फीस है. वो करके आप इसको कर रहे हैं और इससे आपकी बाकी की एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं. तो ये सर ये एप्लीकेशन में अभी ये जो एक्सटेंड के टाइम पे जो मैं मेंशन करूंगा सर ये एजेंट से गलती हो गई है. ये उसकी सर्टिफिकेट ये उसका डिटेल्स है ठीक है. तो वहां पे तो सिर्फ मैं सिंगल से मैरिड कर सकता हूँ मगर अपने मतलब कब मैरिज हुआ वगैरह नहीं नहीं वो डिटेल्स वो एक अलग बात है. फॉर्म भरना 5708 फॉर्म जो है इसको आप डाउनलोड कर लें पीडीएफ को. इसको फॉर्म को भर दें जो जो उसके क्वेश्चंस है उसको आंसर करें. ये जो बातें मैंने आपको कही है वो एक सेपरेट कागज पे लिखें. सेपरेट एक माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट खोल लें अपना एक लिखें जैसे एक एक्सप्लेनेशन लेटर होते हैं उसमें ये लिखें अपना. सिर्फ मेरे ख्याल है कि एक पेज से काम हो जाएगा. एक पेज से लिखें ऐसा ऐसा हुआ है और एक गलती हो गई है फिर उसमें साथ में जो ट्रैवल एजेंट का लेटर हैदराबाद वाले का वो भी लगा दें. ये लिख दें. वो एक लेटर अलग से अटैच होगा जो आपके सबमिशन करेंगे जब ऑनलाइन. तो उसमें ऑनलाइन सबमिशन में एक फॉर्म आएगा कि डू यू वांट टू अटैच समथिंग एल्स लाइक अ कवर लेटर आल्सो. तो वहां पर अटैच कर दें. ओके सर. ऑलराइट सर थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. और इसका रिजल्ट कब तक मालूम होगा सर? कुछ सर तो रिजल्ट तो कोरोना वायरस वाले बताएंगे अब तो क्योंकि आजकल ये फॉर्म है. आप तो इसका देख लो उसका प्रोसेस टाइम कितना. आई कैन चेक राइट नाउ इफ यू वांट टू एंड यू कैन चेक इट ऑन योर ओन. दो Let me just see quickly if I can open that. क्योंकि जो extension जो within Canada जाएगी आजकल वो कितना time लग रहा है अभी देख लेते हैं थोड़ा सा idea हो जाएगा. ये attachment में मैं अपनी marriage certificate और बच्चों के birth certificate भी attach कर दूँ sir? नहीं 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 अरे कहाँ थे इतनी जितना पूछा जाए उतना ही करो. ज्यादा लंबा अपना PhD करोगे उसमें तो और उसमें नए नए पन्ने खुल जाएंगे. इतनी कोई जरूरी नहीं है. तो आप अच्छा अटैचमेंट में मेंशन करूं कि भाई आई हैव दिस मेनी किड्स एंड आई एम मैरिड सिंस. अरे नहीं यार नहीं. आप बच्चों पे कहां चले गए? बात सिर्फ मसला है सिंगल और मैरिड का. बच्चों का थोड़ी पूछा किसी ने. तो विजिट वीजा एप्लीकेशन में चाइल्ड चिल्ड्रन की भी इंफॉर्मेशन थी ना सर सबमिट करते टाइम पे? अगर तो कुछ भी नहीं था. अगर आप 5708 फॉर्म खोलो अगर उसमें इंफॉर्मेशन पूछी जाए तो लिखो. अगर जो नहीं पूछी जाए तो आगे से अपना लिखने की जरूरत नहीं है. जो जो इमिग्रेशन का एक सीक्रेट है जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब देना है बस. उससे ज्यादा अपनी कोई राम कहानी नहीं शुरू करनी. अच्छा इसमें जो टाइम लग रहा है इसमें जो एक्सटेंशन करोगे आप एक्सटेंशन कर ही दो क्योंकि एक्सटेंशन का जो आजकल कोरोना वायरस चक्कर में चल रहा है इसमें कम से कम आपके 4 महीने लगने वाले हैं. 4 महीने प्लस में भी हो सकता 5 महीने लग जाए. तो अभी आप कर ही दो और इसको प्रोसेस जब तक प्रोसेस में उसमें डालोगे जब तक वो रिजल्ट नहीं आएगा तब तक यू आर एम्प्लॉयड स्टेटस. सर 95% मेरा डाउट क्लियर हो गया. 5% फिर भी अभी एक है. बोलो 5% बोलो. आपको जाने नहीं देंगे 5% क्लियर किए बगैर. ये बच्चों का कैसा करेंगे सर? बच्चों का आप फॉर्म तो खोलो पहले. 5708 फॉर्म खोलो. आपके पास कंप्यूटर है तो आप फॉर्म खोल के मेरे को अभी दिखाओ कि फॉर्म पे क्या लिख रहा है. अगर बच्चों का उसमें लिखा हुआ है तो फिर उसको भरना है.
अदरवाइज बच्चों की इसमें पूरी कहानी भरने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात, कि आप अब उसके बाद आप बोलेंगे जी बच्चों के जी दादा दादी का नाम क्या था, नाना नानी का नाम क्या था जी, बच्चे कौन से उसमें, वो सब इंफॉर्मेशन इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इट हैज नो रेलेवेंस ऑन योर वीजा एक्सटेंशन। आपको मतलब कि ज्यादा जितना एक हमेशा एक कहावत है, जितना हम कम जितना बोला जाए उतने का जवाब, ज्यादा बोलने में कोई फायदा नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे, मैं दिखता हूँ जरा बिल्कुल, क्योंकि आपका वो नहीं, क्योंकि मैं इसलिए ये फोन पे हो ना, आपके पास अभी कंप्यूटर नहीं है, आप फोन पे हो, नहीं जी आपको दिखा नहीं सकता आपको, मैं देखता हूँ कि शायद मैं आपको यहाँ, मैं कोशिश करता हूँ, एक मिनट होल्ड करें, होल्ड कर जाए, आपको मेरा स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है शायद, जी हाँ जी हाँ। तो ये फॉर्म है 5708, बहुत सिंपल फॉर्म है, मैं इसको देख रहा हूँ, इसको एक्सटेंड एज अ विजिटर स्टेटस करना, फुल नेम है फलाना फलाना, सेक्स सिटीजनशिप ये है, ठीक है। तो ये पहला पेज है, करंट मैरिटल स्टेटस आपको मैरिड लिखना है, जब आपकी शादी हो गई वो लिखना है, और मैं अगले पे आ गया, आपका ये है लैंग्वेज है, पासपोर्ट है, नेशनल आइडेंटिटी है, एड्रेस है, ये सब है, एड्रेस लिखना है, डिटेल्स ऑफ कैनेडा, कब आए, कैसे आए, यू नो वो वगैरह सब लिखना है। तो एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन लिखनी है आपको, जो आपने पहले भी लिखी होगी, और एम्प्लॉयमेंट जो है वो लिखना है, और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, बच्चों का तो कुछ है ही नहीं इसमें, बच्चों पे क्यों आप इस पे आ गए, आपका जो 5% डाउट था क्लियर हुआ कि नहीं है जी। तो फिर सर ये इमिग्रेशन के लिए जो दाल है वहां, फिर वहां पे आके ये लोग रिकंसाइल नहीं करेंगे कि भाई आपने बच्चों के कुछ डिटेल दी नहीं और यहाँ पे दिए हैं, कहाँ थी, कहाँ पर दिए हुए, इसमें इसमें तो बच्चों की इन्फॉर्मेशन लिखनी नहीं है, एक्सप्रेस एंट्री में बच्चों की इन्फॉर्मेशन, वो एक सेपरेट एप्लीकेशन है, इसमें बच्चों की इन्फॉर्मेशन मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये तो विजिट वीजा एक्सटेंशन है, क्योंकि कंट्री के बाहर से जब अप्लाई करेंगे तो वहां पे है फॉर्म, फैमिली फॉर्म है, जिसके अंदर चिल्ड्रन की एजुकेशन पूरी होगी, उसको रहने दो, इसमें नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अगर आंसर मेरा पसंद आए ना आए, मैं आपको डेफिनेट आंसर दे रहा हूँ, मैं आपको एक प्रॉपर डेफिनेट कॉन्क्रीट लीगल आंसर दे रहा हूँ कि 5708 फॉर्म जो भरना है आपको एक्सटेंशन के लिए, उसमें बच्चों का नहीं पूछ रहे हैं, तो बच्चों को लिखने की जरूरत नहीं है आपकी, अगर आपको आपको कुछ और खिचड़ी पकानी है तो पका सकते हो आप, नहीं नहीं ठीक है फिर सर, ओके ठीक है सर, थैंक यू, आपका 100% सेटिस्फाइड दिमाग, अभी थोड़ा वो क्लियर हुआ कि नहीं, 5% जो आप कह रहे थे, बस ये डाउट है कि फ्यूचर में क्या होगा बच्चों का लेकर, और कुछ नहीं है, फ्यूचर में क्या डाउट होगा, अभी आप खुद आए हो यहाँ पर, एक्सप्रेस एंट्री उनकी लगी हुई है, जब एक्सप्रेस एंट्री नंबर आएगा तब उनका नंबर लगेगा, अभी अभी यहाँ के विजिट वीजा एक्सटेंशन से उनका क्या लेना देना, सही है ओके, नहीं उनके रिकॉर्ड में, क्योंकि वो लोग अगर पूछेंगे भाई हमने आपको पहले पूछा था, फिर शायद मैं बोल भी सकता हूँ भाई नेक्स्ट टाइम पे मैंने पूरी डिटेल दी थी आपको, ठीक है, मैरिड मैंने मेंशन किया था, इसमें थोड़ी पूछेंगे, इसमें जब भी अगर आपका विजिट वीजा का जो जवाब आएगा तो इसमें बच्चों के बारे में थोड़ी पूछेंगे आपसे वो, अच्छा वो जो पूछेंगे पूछेंगे नहीं पूछेंगे जो भी कुछ होगा वो आपके एक्सप्रेस एंट्री में एप्लीकेशन में होना, इसमें नहीं होना, अगर ये इंडिया का एजेंट उसके लेटर हेड पे लिख कर देता है कि भाई आपने हमको बोला था कि आपकी फैमिली है इतने, ये टाइम पे आपकी शादी हुई थी, आपके इतने बच्चे, मगर हमने बाय मिस्टेक ये नहीं डाला, तो ये ठीक रहेगा सर? सर जी कुछ ना होने से तो बेटर ही है, हमें तो ये चाहिए कि ये गलती करी किसने, क्यों करी, इतना काफी है, अब वो क्यों करी कैसे करी, उसको कोई बुखार आ रहा था, उसको कोई नशे में नहीं, था, क्या था? नहीं सर, मेरा बोलने का मतलब अगर वो एक्नॉलेज करे कि आपने जो डिटेल दी थी वो ये है, आपकी शादी हो गई ये ईयर में, आपके बच्चे इतने थे, या, अगर वो ये भी ना कहे कि आपने डिटेल दी कि नहीं दी थी, कि हमने किसी और चक्कर में हमने लिख दिया, दैट इज फाइन, चक्कर ही बात ही हमें प्रूव करनी है कि गलती करी क्यों, किसने करी, अगर वो ये लिख के दे रहा है कि हमने गलती करी है जो भी किसी वजह से किया है, वो उनकी उनकी सिरदर्दी, अब इससे मालूम पड़ता है ना कि अगर आपको कोई एक्शन लेना हो उसके अगेंस्ट, वो कोई एक्शन ले नहीं सकते आप, क्योंकि वो बाहर बैठा है कनाडा का, उस पर कोई जोर नहीं चलता, अगर लेकिन ये कोई गलती अगर कनाडा का कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट करता तो उसके अगेंस्ट मुकदमा कर सकते हो आप, बिल्कुल सर, अब आपको पता लगता है कि फिर ये होता है ना कि सस्ता रोए बार बार महंगा रोए, एक बार कनाडा के इमिग्रेशन कंसल्टेंट पैसे जरूर चार्ज करेंगे कुछ ना कुछ फॉर्म भरने के कुछ करने के लिए, आई एम श्योर कि हैदराबाद वाले भी कुछ ना कुछ पैसे चार्ज किए, कितने पैसे चार्ज किए उसने, नॉमिनल चार्ज से ज्यादा कुछ नहीं है सर जी बात ये है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ नॉमिनल लॉस, हमने कुछ ना कुछ तो किए हैं, जीरो तो नहीं किए ना, जिसको हम नॉमिनल कहते हैं, अभी आपको नॉमिनल से ज्यादा तो आपको टेंशन हो गई, अभी
जी, जितनी आपकी नींद उड़ गई है उसका खर्चा वो नॉमिनल वाला कर देगा कि नहीं कर देगा? उससे बोला कि भाई साहब मैं 10 दिन से सो नहीं पा रहा हूँ, मेरे 10 दिन का खर्चा दे दो नींद उड़ने का। मैं पैसे के चक्कर में पहले भी नहीं गया था सर जी, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि कोई भी काम एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से किया कराए तो वो बेहतर रहता है। मैं पहले से जो है एब्सोल्युटली, पर ऑब्वियसली ऑब्वियसली नाउ यू हैव डिटरमाइंड दैट दैट पर्सन वाज नॉट अ एक्सपर्ट। यस यस बिल्कुल, देर के बाद में मालूम पड़ा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड योर एडवाइजेस एंड योर नॉलेज। I really admire it. और मैं बता दूं आपको कि मैं, मेरे को खुशी है कि आपकी जो एक थोड़ा सा दिमाग ठंडा हुआ है और थोड़ी प्रॉब्लम दूर हुई। इवन दो दोस्तों मेरे ख्याल क्योंकि इन्होंने अपनी प्राइवेसी कवर करनी थी और शक्ल भी रखनी थी क्योंकि क्योंकि ऐसी बात प्राइवेसी लीक आउट ना हो जाए, तो दैट्स फाइन, आई हैव नो प्रॉब्लम। मेरा प्यार है इमिग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आपकी शक्ल कैसी है, क्या नाम है, आई डोंट केयर। मेरे को जो मेरा पैशन है, मेरा शौक है, कोई इमिग्रेशन की समस्या है, इमिग्रेशन की जो लॉ है उसके बारे में अगर मेरे को नहीं पता जवाब, तो उसके बारे में रिसर्च करके आपको कानूनी सलाह देना, दैट इज माय ओनली रोल हियर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग एंड आई होप यू नो योर लाइफ इज सेटल नाउ एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एक्सप्रेस एंट्री। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।